एक सेकेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। सो विल स्टार्ट द क्लास, बाद में लोग ज्वाइन करेंगे तो करेंगे। ओके, सो मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक एक बात बोल देता हूँ। देखो आप लोग मुझे बताओ कि आप दो लोगों को क्वांट में कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा चैप्टर में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है? नंबर सीरीज मत बोलना, सिर्फ एरिथमेटिक में बोला। एरिथमेटिक में यू हैव कॉन्फिडेंस इन ए चैप्टर कि जो आने से वो आपको करना ही है, मतलब। तो प्लीज टेल मी, कुछ तो चैप्टर होगा ना? ये तो नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं है। স্যার, পার্টনারশিপ আছে, পার্টনারশিপ রেশিও প্রপোর্শন, ওগুলো পার্টনারশিপ মানে বাকিগুলো রেশিও, মানে একটু একটু পারি, পার্টনারশিপ, একটু একটু পারি না, এমন টাইপ। ঠিক আছে, আপ বলো, পার্টনারশিপ রেশিও আর এজেস এজেস এটাও পারে, এজেস, সব এজেস তো, কিছু কিছু এজেস তো রেশিও কেই পার্ট হে। রেশিও দিয়ে হয়ে যায়, পার্টনারশিপও স্যার রেশিও দিয়ে হয়ে যায়। হ্যাঁ আর মানে টাইম স্পিডের মনে করুন স্যার, মানে অ্যারিথমেটিক তো মানে কোনো মা বাপ নেই যেরকম টেরকম টাইম কোশ্চেন দিয়ে স্পিড, দেয়। টাইম স্পিড তো ছাড়ো, টাইম স্পিড তো এখন আবি উসমে আগার টাফ পোটেন্স কোশ্চেন টিম আসতো কিন্তু তুই কনফিডেন্ট ফেল আছে, আস, পোটেন্স টিম পারবো, বোটেন্স টিম, ওকে ঠিক আছে, পোটেন্স টিম আছে। আর এদিকে টাইম এন্ড ওয়ার্ক, টাইম এন্ড ওয়ার্ক, ওকে হ্যাঁ ওর ঠিক পাইপ আছে, সিস্টেম যেটা ওটা তো আছে। ঠিক বলো, আর পার্সেন্টেজও আছে, পার্সেন্টেজ হ্যাঁ আছে আছে, পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে, পার্সেন্টেজ তো রেশিও আর পার্সেন্টেজ একই হবে, একই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কি, আর কি চ্যাপ্টার আছে? ঠিক আছে। মিক্সচার এলিগেশন, মিক্সচার এলিগেশন, মিক্সচার এলিগেশন में কনফিডেন্স है ना? ঠিক है, তো পহলে হ্যাঁ মিক্সচার হ্যাঁ স্যার, এলিগেশন মানে কর, অ্যালিগেশন সব জায়গায় না লাগালে ট্রেডিশনাল মেথড দিয়ে বের করে নিই, ওকে ঠিক আছে, মানে সব জায়গায় অ্যালিগেশন না লাগাতে পারলেও মানে আচ্ছা নো ট্রেডিশনাল প্রবলেম, মেথড নো একটা প্রবলেম, রয়েছে। নো প্রবলেম। ভাই দেখো, মে কিউ বল রহা হুঁ কিউকি মেনে এক চিজ দেখা হ্যায়, মতলব জব মেনে খুদ এক্সাম দিয়া থা না, তো মেরা সবসে স্ট্রং চ্যাপ্টার টাইম এন্ড ওয়ার্ক হ্যায়, আভি ভি হ্যায়, মতলব মুঝে টাইম এন্ড ওয়ার্ক বহুত ইজিলি সমঝ মে আ জাতা হ্যায়। सो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आई नेवर यूज टू स्किप, वो चाहे केसलेट हो, डीआई हो, कुछ भी हो, टाइम एंड वर्क मतलब मुझे बहुत इजीली समझ में आ जाता है, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है। टाइम स्पीड में सबको ही प्रॉब्लम होता है, वो टाइम टेकिंग चीज है। सो यू यू डू वन थिंग कि आपको जो भी चैप्टर इजिली समझ में आता है ना, आप उसको उसको आप ब्रेन में रखना कि मतलब ये चैप्टर है, चलो टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क इजिली समझ में आता है, तो टाइम एंड वर्क को अटेम्प्ट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क को पूरा खा जाओ, मतलब पूरा जितना भी इसका टाइप है सब देख लो, जो भी है जितना भी है। आप ये मत सोचना कि कोई चीज में फॉर्मूला आ जाता है तो वो नहीं करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप पीओ मेंस पेपर देंगे ना, तो उसमें तो अलग अलग टाइप का कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। सो यू उससे निकाल लो चैप्टर, ठीक है। जनरली सीआई एक चैप्टर है, सीआई में सब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, क्योंकि इसका ट्रिक बहुत सारा है, और कुछ भी अगर आ जाता है तो हम लोग उसको फिगर आउट नहीं कर सकते जल्दी, हमको तुक्का लगाना पड़ता है, और या फिर ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड तो छोड़ दो, मतलब वो तो कोई फायदा नहीं है सॉल्व करके, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा खाता है। तो आप लोग एक काम करना, जो जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है ना, उसको आप लोग देख लो कि कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, स्ट्रांगेस्ट चैप्टर एक चीज होना चाहिए ना, तो उसको लेके काम करना है, मतलब ठीक है। कि ये अगर स्ट्रांग चैप्टर है तो ये चैप्टर, क्योंकि देखो एरिथम पीओ मेंस में जो डीआई आएगा ना, वो सिर्फ कैलकुलेटिव नहीं आता है, एरिथमेटिक का भी डीआई आता है, एक ना एक डीआई एरिथमेटिक का आएगा ही। तो अगर वो टाइम एंड वर्क का आ जाता है तो तब तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है, ठीक है। सो ये काम करना आप लोग, क्यों आप देख लो कि कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, उस पर कमांड बनाओ। मतलब मैथ्स में हर एक चैप्टर अच्छा आने का जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बहुत लोगों को तो एलिगेशन, डेविएशन, ये सब यूज करना नहीं आता है, फिर भी जॉब मिल जाता है, ठीक है। सो वो चीज में ध्यान देना कि विच चैप्टर यू आर स्ट्रॉन्ग एट, और उसी चैप्टर में पूरा फुल फोकस बनाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर छोड़ दिया, वो नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन ईजी आता है जनरली, उतना भी घुमा के नहीं पूछेगा, अगर घुमा के पूछता भी है तो ठीक है, तब आप छोड़ सकते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज छोड़ दो, जरूरत नहीं है ना हर एक चीज करने का।
देखो मैथ्स में तो मास्टर थोड़ी बनना है कि मैथ्स को टीचर थोड़ी बनना है ना। अभी तो जब मैंने भी एग्जाम दिया था मुझे एवरेज का शॉर्टकट नहीं आता था, क्योंकि जहां से पढ़ा था वहां कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने भी एफर्ट नहीं दिया था। बट नहीं चाहिए मतलब जनरली, ठीक है। आप इंग्लिश, इंग्लिश है, रीजनिंग है ना, रीजनिंग और इंग्लिश है, जीके है, तो क्वांट में मतलब ये नहीं सोचना है कि क्वांट में पूरा उड़ा देना है। क्वांट में जनरली तो पीओ मेंस में उड़ाने का मतलब बहुत कम लोग ही उड़ा पाते हैं उसको, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना कि ये नहीं कि, और जो जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसमें होल्ड बनाओ, पूरा फुल होल्ड बनाओ, मतलब कुछ भी हो जाए। जैसे बोट एंड स्ट्रीम एकदम हलवा चीज होता है, तो बोट एंड स्ट्रीम का अगर क्वेश्चन आता है तो वो करना ही है, ठीक है। उसका कभी भी आज तक तो पेपर में वैसा क्वेश्चन आया ही नहीं है, मतलब कि वो बहुत टफ होगा। तो बोट एंड स्ट्रीम एक बहुत इजी चैप्टर है। फिर टाइम एंड वर्क, ये भी इजी चैप्टर है, ठीक है। फिर मिक्सचर एलिगेशन है, ये भी इजी है। प्रॉफिट लॉस सबसे इजी तो प्रॉफिट लॉस है। आप लोगों ने किसी ने प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं बोला? ये तो सबसे इजी चैप्टर है, इसमें क्या है, सीपी एमपी और एसपी है, और क्या है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर। फिर मान लो पार्टनरशिप हो गया, एक इजी चैप्टर है, पार्टनरशिप इजी चैप्टर है। फिर मान लो एजेस तो चलो हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो का बोल नहीं सकते पता है। रेशियो में आपको ऐसा घुमा भी सकता है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जनरली क्या होता है ना, इजी चैप्टर से क्वेश्चन टफ आता है, और जो बड़ा चैप्टर है ना उससे क्वेश्चन इजी आता है। जैसे मतलब टाइम स्पीड, एंड टाइम स्पीड का क्वेश्चन कभी भी उतना टफ एग्जाम में जनरली नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है ये चैप्टर अगर टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो किसी से होगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। और ये सब तो ठीक है, एरिथमेटिक तो ठीक है, एरिथमेटिक तो आप लोग प्रीलिम्स से भी होल्ड बना सकते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में होल्ड बनाओ। नंबर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। नंबर सिस्टम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो चैप्टर, ये दो चैप्टर मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सो आप लोग एक काम करना, एक लिस्ट बना लेना कि ये चैप्टर मुझे आता है, ये चैप्टर आता है, इसका क्वेश्चन करना ही है, तो फिर जाके एग्जाम में जाके हो जाता है, ठीक है। लिस्ट बनाना, यू हैव टू सर्च द क्वेश्चन, क्योंकि देखो टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है ना, उसमें क्या क्या ही कर लेगा मतलब एग्जामिनर, कुछ नहीं कर सकता है, उतना ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकता है, थोड़ा थोड़ा ही घुमा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग ने कल किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका सेकेंड क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसका मैं पहले डेटा लिख देता हूँ आपको, तो आपको हेल्प हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, चार इंडिविजुअल है डिसाइडेड टू कवर ए डिस्टेंस बाय रनिंग विद ओनली वन पर्सन रनिंग एट ए टाइम व्हाइल द अदर्स ट्रेवल्ड इन ए कार। तो क्या हुआ कि चार लोग भागना चालू किया, और एक ही आदमी एक टाइम पे भागा और बाकी लोग गाड़ी में चले गए, ठीक है। राजा स्टार्टेड रनिंग व्हाइल द अदर थ्री रोड इन द कार, ठीक है। राजा भागना शुरू हुआ, बाकी लोग गाड़ी में गए। आफ्टर एम मिनट्स विजय टूक ओवर रनिंग, मतलब राजा जो है वो कितना भागा, एम मिनट्स, ठीक है, एम मिनट्स भागा, उसके बाद विजय आ गया। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, विजय टूक ओवर रनिंग और राजा गाड़ी में चढ़ गया। आफ्टर एन एडिशनल 1.25 मिनट्स, और 1.25 मिनट्स के बाद, मतलब विजय 1.25 m भागा, इतना मिनट्स, ठीक है। आफ्टर एन एडिशनल 1.25 m मिनट्स श्याम बिगेन रनिंग एंड विजय गाड़ी में चढ़ गया। आफ्टर अनदर 0.8 मिनट्स, आफ्टर अनदर 0.8, कुणाल स्टार्टेड रनिंग, श्याम गॉट इन टू द कार, मतलब श्याम कितना टाइम भागा, श्याम भागा आपका 0.8 m मिनट्स, और उसके बाद आया कुणाल। कुणाल का टाइम गिवन है क्या, नहीं था ना, कुणाल का टाइम गिवन नहीं था, ठीक है। फिर आपको बोला एक पाई चार्ट दे दिया है, द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल ऑफ फोर ऑफ देम व्हाइल रनिंग। ये पाई चार्ट गिवन है कि अगर चारों ने भागा तो भागने में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मतलब ये तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये तो टाइम है, और आपको डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन 15% कौन भागा, कुणाल, तो कुणाल भागा 15%, मैं अभी परसेंटेज में रख रहा हूँ, बाद में इसको देख लेंगे। फिर राजा, राजा भागा 30%, राजा भागा कितना, 30%। विजय और श्याम का एक्स परसेंट विजय और वाई परसेंट श्याम, एक्स परसेंट विजय और वाई परसेंट श्याम, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। और कुणाल का टाइम भी गिवन नहीं है। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, आप लोग अगर नहीं देखा तो ये देख लेना बाद में, इसका आंसर 2 था, ओनली 2 इज सफिशियंट। आप लोग इस डेटा को लिख लो एक बार एंड प्लीज कमेंट डन, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। हो गया ना, ठीक है।
ठीक है, आंसर देना ठीक है क्वेश्चन का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। क्या हो गया, कॉपी नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो प्लीज। सॉल्व मत करो ठीक है, आप सॉल्व मत करो, एम को पुट मत करो, पुट करने से टाइम लगेगा, आप दिमाग लगा के कर लो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस भी गिवन है, सब तो गिवन ही है ना। क्या होगा इसका, बोथ टुगेदर ठीक है, देखो इफ द कंबाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल फोर ऑफ देम 80 है, कंबाइंड डिस्टेंस ऑल फोर ऑफ देम 80 है, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, 80 अगर है तो ये 30% कितना हो जाएगा 24, और 15% 12 होगा, 80 का 15% 12 होता है ना, ये निकल जाएगा ठीक है, और मुझे x प्लस वाई का सम भी पता है ना, x प्लस वाई का सम पता है ना, कितना होगा x प्लस वाई, कितना था 30, सॉरी सॉरी यहाँ पे दिख रहा है 30, 15, 55% था, 55% था ना, तो 80 का 50, 55% ऑफ 80 कितना होता है, आधा और चार, हाँ 44 करेक्ट, तो इन दोनों का सम पता है मुझे 44 है ठीक है। उसके बाद देखो क्या पता है, एक्स प्लस वाई का सम 44 है, परसेंट में नहीं, एक्स प्लस वाई का सम मुझे पता है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस का सम भी पता है 44 है ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या बोला, एम का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, तो एम का वैल्यू दे दिया है तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, मतलब राजा का मेरे पास डिस्टेंस टाइम है, तो राजा का मेरे पास स्पीड स्पीड आ जाएगा, और डिस्टेंस टाइम मेरे पास किसी का भी नहीं है, तो और किसी का स्पीड तो नहीं आएगा ठीक है, ओके, सिर्फ राजा का स्पीड पता है ओके। उसके बाद देखो क्या बोला, हैड राजा रन विद 25% मोर स्पीड, राजा का अगर स्पीड को मैं 25% बढ़ा दूं तो क्या होगा, ही वुड हैव टेकन 20% ऑफ द ओवरऑल टाइम टेकन बाय देम, ओके इफ द टाइम ऑफ अदर्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है तो 20% ऑफ द टाइम ओवरऑल टाइम तो राजा ले लेगा, हैड राजा रन विद 25% मोर स्पीड ठीक है, तो अगर उसका स्पीड हम कुछ ले लेंगे तो ओवरऑल टाइम का, ओवरऑल टाइम गिवन तो नहीं है ना, ओवरऑल टाइम तो गिवन नहीं है,
he would have taken 20% of the overall time taken by them. ओके, समझ गया. तो अगर अगर 20% टाइम अगर राजा ले लेगा तो ये लोग तो सेम टाइम ही लेंगे, बोला है तो कुणाल का आ जाएगा ना, है कि नहीं बोलो तो. कुणाल का टाइम आएगा कि नहीं इससे बोलो तो. यस आ जाएगा ना, ये श्योर है ना आ जाएगा. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी देखो मैं बोल रहा हूं बोल के यस मत बोल दो, आपको समझ में आना चाहिए आएगा बोल के. अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना. हाँ ठीक है समझ बुझे, ठीक है देखो आ जाएगा. देखो यहां पे देखो क्या हुआ, स्पीड देखो तो कितना है, इसका स्पीड निकालो. ये 160 गिवन है ना, m m कितना है 160. तो 160 मिनट्स में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो स्पीड, तो उसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 240 बाय 160 इनटू 60 आवर्स में. फिर आपको क्या बोला, आप इसका स्पीड को 25% बढ़ा दीजिए, मतलब इनटू 5 बाय 4 कर दीजिए. तो यहां से काट काट दो इसको चार बार, ये छह बार, और ये जीरो कैंसिल हो गया. और कुछ कटेगा? हाँ कटेगा, जो भी कटेगा मतलब उससे कुछ तो आएगा ना, स्पीड कुछ तो आएगा. तो इसका स्पीड तो मुझे पता है, मुझे क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है, स्पीड तो आ जाएगा. ठीक है ओके. अभी आपको बोला है कि अगर वो भागता तो वो 20% ओवरऑल टाइम लेता. तो यहां से अभी देखो आपको डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया ना, डिस्टेंस तो सेम है. अगर डिस्टेंस सेम है और अगर आपको स्पीड भी पता है, मतलब आपको राजा का टाइम पता चल जाएगा, है कि नहीं बोलो तो. राजा का टाइम पता चलेगा ना, राजा का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, डिस्टेंस तो सेम है अभी भी. डिस्टेंस सेम है और आपको टाइम भी पता है, सॉरी डिस्टेंस चेंज सेम है और आपको स्पीड भी पता है, तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा. आपको बोल रहा है कि राजा ने जो टाइम लिया वो 20% है टोटल टाइम का. तो अगर 20% है तो आपको टोटल टाइम पता चल जाएगा. टोटल टाइम में आपको राजा का भी टाइम पता है, विजय का भी पता है, शिवम ये श्याम का भी पता है, तो कुणाल का भी आ जाएगा ना. सही बात है ना, कुणाल का टाइम आ जाएगा ना. हाँ आ जाएगा, आराम से आएगा. ठीक है ओके. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पीड ऑफ कुणाल. कुणाल का अगर टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड आ जाएगा, मतलब नंबर वन से भी आ जाएगा. ठीक है क्लियर है ना. देखो तो क्लियर है ना. देखो थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, आई एग्री कि दो तीन दिन से हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वही जरूरत है. देखो इजी क्वेश्चन तो आप लोग मॉक से भी कर लोगे ना, तो उसमें मेरा क्या जरूरत है, मतलब मैं कराने का क्या मतलब है बोलो तो. इजी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है सो इसीलिए मैं थोड़ा, मतलब थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो ब्रेन ओपन होता है धीरे धीरे. ठीक है क्योंकि देखो मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया था, मैं बैठा रहता था, जब तक नहीं निकलेगा मैं बैठा ही रहता था. कुछ भी हो जाए मुझे तो क्वांट का सॉल्यूशन निकालना ही है. तो उस तरीके से ही मतलब टाइम होता है, मतलब आप इजी चीज सॉल्व करके खुश हो जाओगे ना तो आप रीजनिंग और इंग्लिश ही कर पाओगे, क्वांट में तो नहीं नहीं होगा. मतलब इट्स डिफिकल्ट. अगर आप सिर्फ इजी चीज करना चाहोगे, आप नहीं सीखना चाहते हो रेशियो, देन इट इज नॉट यूजफुल. ठीक है इसीलिए वी विल डू सम थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगता है जब आंसर आता है ना. ठीक है तो वन से तो आ जाएगा. अभी सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाले में बोला हैड श्याम रन विद 20% मोर स्पीड फॉर इतने टाइम तक ही वुड हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंस एज विजय. ठीक है अभी श्याम का स्पीड तो मुझे नहीं पता, लेकिन विजय का मुझे डिस्टेंस नहीं पता. इससे आएगा कि नहीं थोड़ा डाउट हो रहा है, लेट्स सी क्या पता आ जाए. मुझे यहां पे क्या क्या पता है, एम का वैल्यू मुझे पता है और मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन पता है और मुझे एक्स प्लस वाई का मान भी पता है टोटल, ये 44 है. ठीक है आपको क्या बोला कि अगर हैड श्याम रन विद 20% मोर स्पीड फॉर 0.80 मिनट्स. श्याम श्याम का बोल, अच्छा श्याम का बोल रहा है, अच्छा श्याम बोला ना, अच्छा ओके ओके ओके. हैड श्याम रन विद 20% मोर स्पीड फॉर इतने टाइम. तो श्याम का स्पीड कितना है, श्याम ने डिस्टेंस कवर किया है y,
और स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होगा स्पीड। जहां पे मुझे एम का वैल्यू पता है, ठीक है, एम का वैल्यू मैं पुट, एम का वैल्यू पता है, आप इमेजिन करो कि पता है, पुट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्पीड हो गया। अभी आपको बोला उसको 20% ज्यादा स्पीड से भगाओ, मतलब इतने स्पीड से भगाओ 6/5, ठीक है। फिर आपको बोला इतने टाइम तक भगाओ, तो स्पीड इंटू टाइम, कितने टाइम तक, इतने टाइम तक, 0.80 m मिनट्स तक। तो ये एम और एम कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर बोला आपको ही वुड हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंसेस विजय, तो सेम डिस्टेंसेस विजय, ये तो डिस्टेंस ही लिखा मैंने, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ये हो गया स्पीड और वो हो गया टाइम, तो डिस्टेंस, और विजय का डिस्टेंस कितना है, विजय का डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो इसमें से तो आ जाएगा भाई, इसमें से एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा, एक्स और वाई का रेशियो क्या आएगा, 6 6 और 5, और सम अगर 44 है तो मतलब ये 11 44, तो ये 24 और ये 20, तो इससे क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा क्या है, स्पीड ऑफ कुणाल पूछा है, स्पीड ऑफ कुणाल कैसे आ जाएगा यार, नहीं आएगा ना 2 से स्पीड ऑफ कुणाल, नहीं आएगा ना, सही बात है ना, तो मतलब सिर्फ 1 से आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, अब धीरे धीरे करना, सी डोंट रश इन टू द प्रॉब्लम, धीरे धीरे करो, हो जाएगा, अभी सीखने का टाइम है ना। ऐसे भी देखो मेंस में इतना ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत, मतलब आ भी सकता है, अभी नहीं बोल सकते, लास्ट ईयर तो इतना टफ पेपर बनाया था, तो क्या पता क्या आ जाए। तो फिर भी मतलब आप लोग इतना टाइम लेके करना, मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन को अगर आपने 3 मिनट में भी बनाया ना, फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मार्क्स तो देगा ना एटलीस्ट, लेकिन गलत मत बना देना, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता, यू स्किप द क्वेश्चन, बट अभी तो सीखने का टाइम है, तो सीख लो, देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आराम से लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के करो, तब हो जाएगा। यहाँ पे एम का वैल्यू तो नहीं पता है, एम का वैल्यू, एक सेकेंड, मैं इसको स्क्रीन को स्विच कर रहा हूँ, एम का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है ना, क्या पता है, उसको कॉपी कर लेते एक बार।
ठीक है, देखो आपको क्या बोला, इफ 50% ऑफ द डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय राजा, राजा ने कितना डिस्टेंस कवर किया मुझे नहीं पता है, 30% है, मैं टोटल डिस्टेंस को 100x मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस को आप 100x मान लो, तो ये 15x होगा और ये 30x होगा। आपको क्या बोला है कि इफ 50% ऑफ द डिस्टेंस कंप्लीटेड बाय राजा, राजा ने कितना डिस्टेंस कवर किया 30x, मतलब 50% मतलब 15x, ये वाला डिस्टेंस, अरे यार कहां, हाँ, एंड 60% ऑफ बाय, इसमें रॉन्ग टर्म क्या है, आप मुझे रॉन्ग टर्म बता दो। एक 27 रॉन्ग है, ठीक है। यहां पे ए का वैल्यू कितना आया था 4 और बी का वैल्यू कितना आया था 11। बी का वैल्यू 11 है और बी स्क्वायर बाई ए प्लस 4 मतलब 121 डिवाइडेड बाई 8, ये तो ऐसे भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये भी नहीं है, ये 44 प्लस 3 47 ये आ सकता है, 2AB 88 नहीं पता, शायद नहीं आएगा, ठीक है ऑप्शन से नहीं करेंगे, सीरीज को सॉल्व करके देखता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है क्या है, देखो 78 और 122 और 181 और 257, ठीक है। यहाँ पे गैप देखो कितना का गैप है, 11 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है, 21 का गैप है, यहाँ पे डायरेक्ट 30 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है, 22 और 22 42 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है, 53 का गैप है ना ये, हाँ नहीं सॉरी 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 59 का गैप है, 59, और यहाँ पे 19 और 57 76 का डबल डिफरेंस देख लो क्या है, डबल डिफरेंस है यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे ही गड़बड़ है, 10 के बाद 9 कैसे आ गया, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है 15 है और यहाँ पे कितना है 17 है, 17 है, तो 15 17 ये 13 होना चाहिए था ना, ऐसे ही हो रहा है ना, 15 17 13 हो सकता है, 11 तो नहीं हो सकता है, तो ये अगर 13 हो, ये अगर 13 हो मतलब ये 31 होना चाहिए था, ये नंबर 31 होना चाहिए था ना, तभी तो ये 13 होगा, तो ये 31 होने के लिए ये 48 को चेंज होना पड़ेगा, मतलब ये जैसे अभी 30 था ना, तो ये होना पड़ेगा आपका 47, अभी देखो तो ये अगर 47 हो जाता है तब हो रहा है कि नहीं, तब ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, तो यहाँ पे तो 9, सॉरी ये 9 था ना, ये 9 होगा, ये 11 होगा, हाँ ये 13 हो जाएगा, करेक्ट। तो मैंने कौन सा नंबर चेंज किया, 47, मतलब 48 मेरे रॉन्ग नंबर है, तो 48 के जगह क्या आना चाहिए, 47 आना चाहिए, मतलब दिस, ठीक है, क्लियर है ना, देखो यस, ठीक
डबल डिफरेंस वाला रॉन्ग नंबर सीरीज में आप एकदम नीचे से स्टार्ट करना, जो चेंज होगा उसको इमीडिएटली ऊपर चेंज करना, फिर उसके ऊपर चेंज कर देना बस, फिर मैच करके देख लेना। यही तो प्रॉब्लम है रॉन्ग नंबर सीरीज में, इसीलिए तो ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व नहीं होता है ना, क्योंकि दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, आपको नीचे से आना पड़ेगा। ठीक है, आप एक काम करो, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा सा एरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वील डू द अदर क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस। প্রবলেম হয় কোনটা রং প্যাটার্ন বুঝতে পারি। আচ্ছা ওই আপ নিচে সে ডাবল ডিফারেন্স মে রং হোনে সে নিচে সে চেঞ্জ করনা এক এক করকে, থোড়া তো গড় থোড়া তো প্রবলেম হতা হ্যায়, দ্যাট আই এগ্রি। রং নম্বর সিরিজ তো হ্যায় গে স্যার, কোই বাত নেই, ইয়ে ভালো কোয়েশ্চেন করো। करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज डू इट। ओके लेट्स सी, देखो आपको क्या बोला, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। इन ए सिलिंड्रिकल जार देयर इज ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:5। तो दूध और पानी का जो रेशियो है इनिशियली वो कितना है, 4:5 के रेशियो में, 4:5। फिर बोला एक्स लीटर्स ऑफ मिक्सचर हम निकाल देंगे और एक्स लीटर्स उसमें दूध डाल देंगे। तो मिक्सचर निकाल के दूध डालने से पानी तो कम होगा ही, पानी कम होगा ठीक है, इन टू द मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:5। ठीक, इसको फिर क्या करेंगे, रेशियो बैलेंस करेंगे ना, है कि नहीं बोलो, और तो कुछ नहीं कर सकते। है कि नहीं बोलो, तो देखो और क्या करेंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते ना, रेशियो ही बैलेंस करेंगे। ठीक है ओके, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है रेशियो बैलेंस करूंगा मैं, जो मुझे एक्चुअली आंसर इसका मिल गया ऑलरेडी। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ये नहीं चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनिशियल मिक्सचर रिजल्टेंट मिक्सचर। देखो पहले वाले मिक्सचर में वाटर 5 का मल्टीपल है, दूसरे वाले मिक्सचर में भी 5 का मल्टीपल है, तो इनका डिफरेंस भी 5 का मल्टीपल ही होगा, ये होगा आंसर, और क्या होगा, है कि नहीं बोलो, यस
सही बात है ना, पहले वाले मिक्सचर में वाटर 5 का मल्टीपल था, दूसरे वाले मिक्सचर में भी फाइनली भी 5 का मल्टीपल था, तो उनका डिफरेंस भी तो 5 का मल्टीपल ही होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है, देखो सही है ना। यस सही है ना, ठीक है, बट देखो ऑप्शन तो ठीक है, अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन होता तब क्या करते। देखो अगर यहाँ पे 9 यूनिट है, यहाँ पे 9 यूनिट है, और यहाँ पे कितना यूनिट है सर, ट्विटर था, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे 12 यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे 9 यूनिट है, यहाँ पे 12 यूनिट है, तो अभी देखो फाइनल मिक्सचर और मतलब इनिशियल मिक्सचर और फाइनल मिक्सचर का क्वांटिटी तो सेम है, तो 9 और 12 को 36 बना दो, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 3 से, ठीक है, 12 को करेंगे 3 से, तो पहले मतलब दूध कितना था 16 था और पानी कितना था 20, और दूसरे वाले में दूध था 21 और पानी था 15, ये है मिक्सचर, मिल्क है इसमें, इसमें वाटर है, ये रेशियो में ये रेशियो, अभी रेशियो पूरा कनेक्टेड है क्योंकि हमने बैलेंस कर दिया ना। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ है कि क्या बोला अभी कि एक्स लीटर मिक्सचर निकाल के एक्स लीटर दूध डाल दिया, ठीक है, मतलब जो पानी है वो तो पहले 20 था, पानी पहले 20 था और पानी पहले बाद में 15 हुआ, तो पानी कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, टेल मी, पानी कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 25% रिड्यूस हुआ ना, 5% नहीं, 25%, पानी 20 से 15 हुआ है ना, पहले 20 था फिर 15 हो गया, मतलब 4 से 3 हुआ है, तो 25% घटा ना, मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, हाँ परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, तो 25% रिड्यूस हुआ ना, ठीक है। अभी आपको बोला कि डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड टेकन आउट मिक्सचर, मतलब देखो ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, और जो हमने निकाल दिया वो ये मान लो एक्स निकाल दिया था ना, तो आपको बोला ये क्वांटिटी और एक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो बोला है वो कितना है, वो 243 लीटर से, ठीक है, और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि पानी जितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है ओवरऑल मिक्सचर भी तो उतना परसेंट ही रिड्यूस हो रहा है, मतलब अगर पानी अगर 4 से 3 हो रहा है तो जब हमने इसको निकाला था तब वो मिक्सचर भी तो 4 से 3 हुआ होगा ना, है कि नहीं, बोलो तो, सही बात है ना, यस, क्योंकि पानी जितना घटता है मिक्सचर भी उतना ही घटता है ना। फिर आपको बोला कि उनका डिफरेंस मतलब जो बचा हुआ है, डिफरेंस का मतलब क्या है कि ये वाला जो मिक्सचर था उसमें से एक्स निकाल के डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर का जो क्वांटिटी है वो 243 लीटर है, आपको समझ में आ रहा है, फिर उसमें एक्स लीटर हमने वो डाला, क्या बोलते हैं, दूध डाला है, इज इट क्लियर, आपको ये समझ में आ रहा है ना। देखो जो पानी तो 25% घटा था, मतलब पानी तो 4 से 3 हुआ, और पानी अगर 4 से 3 हुआ इसका मतलब मिक्सचर भी 25% रिड्यूस हुआ, तो मिक्सचर भी तो 4 से 3 हुआ होगा, लेकिन आपको बोल रहा है कि वो तो 243 हुआ है, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 243 लीटर, तो 1 यूनिट होगा 81, तो 4 यूनिट होगा 4 × 81 324, इसका मतलब इनिशियली जो था वो 324 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है, तो इनिशियली जो रेशियो था वो क्या है देख लो, 4:1, क्या है ये 4:4 4:4 4:5 था, तो 4:5 में 324 लीटर था, तो यहां से आप निकाल लो मिल्क कितना है वाटर कितना है, और फिर आपको और इनिशियली अगर 324 था मतलब फाइनली भी 324 था, तो फाइनली 7:5 में वाटर निकाल लेना, इसमें वाटर निकाल के गैप देख लो, आप निकाल के देखो आपका आंसर क्या आता है, मिक्सचर का क्वांटिटी तो सेम है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ यार,
45, ठीक है ना, 45 ही आएगा। देखो यहाँ पे पानी कितना है, पानी है 5/9 और टोटल कितना था 324। इसको को काट दो 9 से, 9 से 3 बार और 6 बार, 36 × 5 कितना 180। और इसमें इसमें 5 है कितने में, 12 में, 5/12 × 324, 12 से काटो 2 बार और 84, 12 से 7 बार, और ये होगा 27 × 5 135। तो 135 और 180 में डिफरेंस कितना है, 45। ठीक है ना, क्लियर है ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन अच्छा है, एवरीथिंग। कुछ डाउट है क्या इसमें? ठीक क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर अगर है तो पहले आपको बोला था कि ये जो जार है ये सिलेंडर है। अभी आपको सिलेंडर का रेडियस दिया है 30 सेंटीमीटर और सिलेंडर का हाइट दिया है 210 सेंटीमीटर। मैं आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बोल देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, नहीं सॉरी, ये तो कोण का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। व्हाट पार्ट ऑफ द जार वाज एम्प्टी इनिशियली? जल्दी करो यार, 2 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, उसको खत्म करके हम लोग क्लास खत्म करेंगे। डी आर है, ठीक है। देखो पहले वॉल्यूम कितना है, 22/7 πr², रेडियस कितना है 30 × 30 और हाइट कितना है 210। तो ये तो इसको 30 टाइम्स काट देगा, तो 30 × 30 × 30 × 22, तो 30 × 30 × 30 × 22, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम, यही होगा ना। हाँ ठीक है। फिर आपको बोला है कि व्हाट पार्ट ऑफ द जार वाज एम्प्टी इनिशियली, आप कितना फिल था वो निकाल लो, हमारा वो कितना निकला था यार, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, है ना, मैं सही हूं ना? हाँ, मुझे लगा था मैं भूल गया, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले कितना लीटर था उसका कैपेसिटी, उसका उसको कितना भरा था, 324 भरा था ना, 324 लीटर भरा था। तो 324 लीटर मतलब 324 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, पूरा को सेंटीमीटर क्यूब में ही लेना पड़ेगा आपको, 0000000 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बच गया 27, 27 इसको 12 बार काटता है। अब देखो 27 से 12 बार मल्टीप्लाई करके देखो 324 ही आएगा, तो 12/22 मतलब 6/11, तो 6/11 तो फिल था, मतलब 5/11 एम्प्टी था, ठीक है। ये सब कन्वर्जन्स याद रखना, ये 1 लीटर अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। सी बिकॉज सी आप जब मेंस देने जाओगे ना तो एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड रहेगा कि आपको ये सब तो पता है, क्योंकि ये सब तो क्लास 8 9 का नॉलेज है ना। सो इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना तब तो मतलब ह्यूज मिस्टेक हो जाएगा आपसे। ये वाला क्वेश्चन करो प्लीज। आंसर देना ठीक है, आपको आता है नहीं आता है, आपको जो लगता है यू गिव मी द आंसर, जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर।
टू एंड थ्री, इसमें ऑप्शन सारा गलत है। अब ऑप्शन को छोड़ो, आप मुझे आंसर दे दो कि ओनली वन ओनली टू बोथ आइदर, ऐसे आंसर दे दो। ओनली वन, ओके। श्योर है ना? आर यू श्योर? और आपने गेस किया है? नहीं, श्योर होने से थोड़ा गेस किया। ओके ठीक है। देखो आपको बोल रहा है कि प्रीतम ने ₹P लैंड किया था R% T ईयर्स, ये तो छोड़ो, इसका कोई काम नहीं है। तो आपको R का वैल्यू बताना है। रोहन लैंड आउट P एट R% फॉर T+2 ईयर्स, मतलब T, इसने T ईयर्स के लिए किया, इसने 2 साल ज्यादा के लिए किया, वन और टू। अच्छा, इसने T ईयर्स के लिए किया, इसने 2 साल ज्यादा के लिए किया। अमाउंट अर्न बाई रोहन इज 44% मोर देन द अमाउंट अर्न बाई प्रीतम। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों में सेम है, ये तो देख के समझ में आ रहा है, इसमें 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है कि नहीं बोलो तो? आपको समझ में आया ना, ये 20% है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस यस, तो इससे तो आ रहा है 20% होगा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 44% ज्यादा कमाया अभी। जैसे मान लो अमाउंट, वो 2 साल के लिए उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया ना, तो प्रीतम ने जितना भी उसको जो भी अमाउंट मिला होगा, अमाउंट बाई प्रीतम, वो तो और 2 साल तक चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली T ईयर्स तक तो दोनों को सेम मिलेगा ना, अमाउंट रिसीव बाई प्रीतम ही मिलेगा, लेकिन आगे जाके तो वो 2 साल और चलेगा, मतलब उसमें 2 बार कंपाउंडिंग और होगा। और आपको ओवरऑल बोला है 44% आया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल का अमाउंट ही तो दूसरे साल का प्रिंसिपल होता है ना। फिर बोला कि विपुल लेंट आउट P+4000 एट R+5% कंपाउंडिंग एनुअली फॉर T+3 ईयर्स एंड अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 4000। इससे नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, इससे कैसे आ जाएगा? अगर आपको इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल तो मुझे नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, सिर्फ इंटरेस्ट ही पता है, वो भी T+3 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज कर दिया। अगर अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को R% रखता ना, तब मेरा आंसर आ जाता, तब मैं कुछ भी करके होने से भी आंसर निकाल देता, ठीक है? अगर वो R% रहता ना, तब वो आ जाता, लेकिन R प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चेंज कर दिया ना, तो हमको क्या पता है कौन सा क्या रेट है। अरे सुमित, इतना जल्दी अभी तो जस्ट शुरू हुआ है क्लास। सर ये टाइम क्या आप चार्ट करते हैं? आज आप 1 घंटा पहले। नहीं नहीं मैंने मैसेज डाला था, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है? तो हैप्पी धनतेरस सर। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, ठीक है? तो इसमें R+ R% है करके आंसर, सॉरी R+5 है करके आंसर नहीं आया। अगर R% होता तो आ जाता, छोड़ो इसको, जाने दो, इसमें ओनली वन होगा इसका आंसर। क्या क्वेश्चन करेंगे? ये DI है, DI अभी नहीं करना है, लेट हो जाएगा कल, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, और 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो प्लीज, प्लीज सॉल्व इट, थोड़ा जल्दी सॉल्व करो प्लीज, प्लीज थोड़ा जल्दी सॉल्व करो।
ओ माय गॉड, बहुत टाइम ले रहे हो। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें सम ऑफ द रूट्स कितना है बोलो तो, ये वाला इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स, इसका दो रूट है ना, तो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, 9 होगा, करेक्ट। इसका सम ऑफ द रूट्स कितना है, इसका अरे आप जो पूछ रहे हो वो बताओ ना, इसका सम ऑफ द रूट्स कितना है वो बोलो ना। टी का वैल्यू मुझे नहीं पता, आप इसका सम ऑफ द रूट्स तो बताओ, 7 है ना, तो इसका सम ऑफ द रूट्स कितना है, इसका सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे दो रूट्स है ना, पी और क्यू माइनस पी, तो इसका सम कितना है, क्यू होगा, तो क्यू का वैल्यू 7 है, तो क्यू का वैल्यू अगर 7 है, क्यू का वैल्यू अगर 7 है मतलब पी का वैल्यू 2 है, तो P का वैल्यू 2 है और Q का वैल्यू 7 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, 2 × 7 है मतलब 14 है, मतलब T का वैल्यू 14 है, तो T का वैल्यू 14 है, Q का वैल्यू 7 है, T माइनस Q का होल क्यूब पूछा है, ऑप्शन डी खत्म है ना, और क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना। देखो तो স্যার ও ইকুয়েশন 1টা না মানে একটু গ্যাস করে তো 7 আর 2 আর ইকুয়েশন 2টা 5 আর 2টা বের করেছিল, তারপরে তো বুঝিনি কি করব। আরে 5 আর 2 তো এটার তো, দেখো দেখো ইয়ে পি প্লাস কিউ তো 9 হ্যায় না, ইয়ে তো এটা 7 আর 2 ঠিক হ্যায়, হ্যাঁ 7, গেস কিউ কি আপনে, গেস মত করো না, ইয়াহাঁ পে ইউজ করো না ডেটা কো, পি প্লাস কিউ তো 9 হ্যায়, একটু একটু সে করে নিয়েছিলাম আর মানে বেশি না না মানে দেখো নিয়ে গিয়েছিল আর কিছু মানে বেরিয়ে গেছে। মানে গেস করলে কি প্রবলেম না, এখন যদি এটা ডাইরেক্ট স্ট্রেট ভ্যালু अगर ये नहीं होता ना तब आप प्रॉब्लम में फंस जाते, ये स्टेट वैल्यू था बोल के निकल गया, মানে আমি কি করি কিছু क्या बोला, মানে ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे तो, यहाँ पे जो दो रूट है ये तो पी और क्यू है ना, तो पी प्लस क्यू आराम से करो, पी प्लस क्यू 9 होगा, सम ऑफ द रूट्स तो 9 ही होगा, और इसमें सम ऑफ द रूट्स पी और क्यू माइनस पी का सम कितना है, क्यू ही तो है ना, तो इसमें क्यू कितना होगा, सम ऑफ 7 होगा, मतलब না আমি কি করেছি বলবো স্যার, মানে এখানে 9 আছে তো তো টিটাকে আমি একটা এরকম ভ্যালু ধরেছি যেটা মানে কোন প্লাস করে 9 হবে, হ্যাঁ আর নিচেরটাতে সেম ভ্যালু ধরেছি যেটাতে 4 মাইনাস করার পরে 7 বের হবে, হ্যাঁ প্লাস করার প্লাস ভ্যালুটা 4 মাইনাস করার পরেই বের হবে, কিউ কেন কি 4 টাও তো কনস্ট্যান্ট না, হ্যাঁ হ্যাঁ তো 14 ধরে নিয়েছিলাম আর কি, তো এটা হয়ে গেছে 7 এর মাল্টিপল আর একটা প্লাস করো 9 হচ্ছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে তো করতে পারলাম না, কিউ মাইনাস পিটি কি বলেছে, তারপরে রুটস দিয়ে দিয়েছে না এখানে, এটা দেখো ইসকা দো রুট, দুইটা রুট পি আর, পি আর কিউ, তো এখানে তো দুইটা রুট 7 আর 2, তো একটা 7 হবে একটা 2, আর এখানে সামটা কিউ দিয়ে বের করে নাও না, ইয়ে যে ইকুয়েশন 2 হে ইসকা সাম অফ দ্য রুটস কি হয়, পি প্লাস কিউ মাইনাস পি, তো ইয়ে কি হবে, কিউ ই হবে না, সমঝ মে আ রহা হে না, তো কিউ কা ভ্যালু ই তো 7 হবে না, मैं बुझे गई बुझे गई सर, तो क्यू आने से पी भी आ जाएगा, वैसे कैसे भी कर लो इट्स अप टू यू, और टी तो कांस्टेंट निकल जाएगा ना, ये तो इस इक्वेशन में ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही है ये वाला टी, तो दोनों रूट 2 × 7 14 आएगा टी, तो 14 माइनस 7 का होल क्यूब निकालने बोला है, मतलब 7 का क्यूब 343 होगा ना, ठीक है ये एक ही क्वेश्चन था और कुछ नहीं है इसमें, आप लोग एक लास्ट क्वेश्चन करो ये वाला, इसमें भी ऑप्शन गलत है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग ऑप्शन से मुझे डायरेक्ट आंसर दे दो कि ओनली वन ओनली टू आइदर नाइदर या फिर बोथ,
स्टेटमेंट टू ओनली, स्टेटमेंट वन से टू आंसर्स विल कम, ओके, बट आप मुझे पी का वैल्यू बताइए, पी का वैल्यू क्या आया? जीरो? नहीं, जीरो आया क्या? मैंने तो ये क्वेश्चन खुद से बनाया यार, मैंने गलती कर दिया क्या? जीरो आने से तो जीरो ही आएगा ना, इसमें एक्चुअली पी अलग टाइप से लिखा था, लेकिन मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए ऐसा पूरा इसको बनाया, ठीक है, ओके, छोड़ो इसको। तो पी का वैल्यू देखो क्या निकलेगा, P is the difference between the greatest even prime factor of 278 to the power 27. आप मुझे बताओ 278 to the power 278 का greatest even prime factor क्या होगा? 2 ही होगा ना? 2 ही होगा, obviously greatest even prime factor तो एक ही है, 2 ही है, ठीक है। अच्छा अगर अगर मैं यहाँ पे 278 के जगह अगर 270 लिखता तो 271 लिखता तो तभी भी 2 होता आंसर, तभी भी 2 होता। और अगर मैं इस 278 को काट के अगर मैं 277 लिख देता तब आंसर क्या होता? 2 होता, श्योर? तब कुछ भी नहीं होता, करेक्ट, क्योंकि 277 टू द पावर 271 एक ऑड नंबर है, 277 टू द पावर 271 एक ऑड नंबर है। आप देखो ऑड नंबर को अगर आपने दो बार मल्टीप्लाई किया ना, जैसे 3 × 3 वो ऑड आता है, और सॉरी ऑड नंबर को आप कितने बार भी महा सॉरी ऑड नंबर को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो वो ऑड ही आएगा। तो मतलब ये नंबर ऑड आएगा, ये पूरा नंबर ऑड आएगा, तो उसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं। हाँ तो लेकिन हाँ मतलब ये गलत होता था, तब कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, तब 2 नहीं आता ना, मैं वो बोल रहा हूँ, तब हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है छोड़ो, ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो P इज द डिफरेंस, एक तरफ आया 2 और दूसरी तरफ यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 992 टू द पावर 9873 का इसका यूनिट डिजिट 2 है। इसका 2 है ना, 2 ही है, इसको 4 कर दो, इसको मैंने मेरे से गलती हो गया, ये 4 होगा। अभी क्या होगा यूनिट डिजिट? अभी सॉल्व करो क्वेश्चन को, ये 4 लिख लो, वो 9874 कर दो उसको, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी बताओ आंसर क्या होगा। सेम आंसर, ओके, लेट्स सी। देखो 992 टू द पावर 9874, ये मुझसे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, गलती हो गया। तो 992 टू द पावर 9874 का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 टू द पावर 9874 का होगा। अभी हमको 2 चेक करने के लिए, सर मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पढ़ लो यार, यूनिट डिजिट आपने नहीं पढ़ा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ लो थोड़ा सा, इसमें है तो ये सब, ठीक है। देखो 2 टू द पावर 9874, अभी ये जो 9874 है हमको 2 टू द पावर में क्या चेक करना पड़ता है? हमको 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है। तो आपको पता है कि ये अगर अगर ये कब डिविजिबल होता, अगर लास्ट का 4 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए और जो रिमाइंडर होता है उसी का पावर होता है। मतलब यहाँ पे 9874 है तो मुझे पता है कि 9872 ये जो नंबर है ये 4 से कट जाता है क्योंकि ये 72 कटता है, तो ये 2 ज्यादा है, मतलब रिमाइंडर 2 का आएगा, मतलब रिमाइंडर जो आता है वही पावर होता है। तो 2² 4 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 4 ही होगा, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट भी 4 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट 4 और ये 4 और 2 में गैप कितना है? 2, करेक्ट, ठीक है, 4 और 2 में गैप कितना है? 2 है। अभी देखो तो इसका मतलब पी का वैल्यू 2 है। अभी उसके बाद क्या बोला, ये वाला चीज जो है, आप मुझे एक चीज बताओ, ये क्या हो गया, ये
आप मुझे एक चीज बताओ, इसका वैल्यू कितना है बोलो तो, ये कितना होता है, ये क्यू होता है ना, ये क्यू ही होता है, क्योंकि अगर 2 टू द पावर क्यूब का हम क्यूब रूट निकालेंगे, 2 टू द पावर क्यूब का क्यूब रूट तो 2 होगा। सिमिलरली आप कुछ भी ले लो, 3 टू द पावर 4 का फोर्थ रूट हमेशा 3 होगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे होगा आपका क्यू, तो ये क्यू निकालेगा इसका वैल्यू, तो ये क्यू होगा। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्यू इंटू पी प्लस टू, पी का वैल्यू 2 था, तो पी प्लस टू 4 इज इक्वल टू 32, यही था ना? हाँ, तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 32/4 8 आएगा, 8 8 आ गया, ठीक है। अभी आपको बोला क्यू प्लस एम प्लस एन निकालना है, आंसर आपने क्या दिया था, स्टेटमेंट 1 से 2, आंसर स्टेटमेंट 2 ओनली से आएगा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि क्यू प्लस एम प्लस एन निकालना है, तो क्यू तो हमको पता है, मतलब मुझे एम और एन चाहिए, या फिर एम प्लस एन होने से भी होगा, एम और एन चाहिए या फिर एम प्लस एन होने से भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्यू एम और एन, अभी देखो ये वाला इक्वेशन क्या है, एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर -2x+7 -2x+7 = 0। आपको बोला है कि इसका जो फैक्टर है वो x-1, x-1 अगर इसका फैक्टर है ना, मतलब ये x-1 से कट जाता है, x-1 से अगर कट जाता है तो इसका एक रूट होगा 1 और एक रूट होगा -1। तो आप इसमें 1 डाल के देखो और -1 डाल के देखो, 1 डाल के देखो क्या आता है, n इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1+7 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम प्लस एन आएगा, और ये -2+7 -+5 मतलब -5, तो एम प्लस एन का वैल्यू -5 आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकेंड वाला क्या बोला, -1 रख के देखो, यहाँ पे -x+1 अगर उसका फैक्टर है ना, तो उसका रूट होता है -1, तो यहाँ पे -1 रख के देखो, एन इंटू -1 का क्यूब प्लस एम इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1+7 = 0, ठीक है। तो ये तो होगा माइनस एन, और ये होगा आपका प्लस एम, और ये होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस टू मतलब +9, मतलब ये होगा आपका सॉरी ये +9, क्या कर रहा हूँ मैं, 7+2 9, तो ये -9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम माइनस एन -9। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करेंगे, एम और एन का वैल्यू निकालेंगे, ये एग्जैक्टली आएगा, तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट। स्टेटमेंट 2 तो बहुत इजी है, क्यू अगर आपको पता है तो एन भी आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, तो इससे इससे एन निकाल लो, इससे एम निकाल के डाल दो, तो इसका आंसर होगा आइदर ऑड, ठीक है ना, इज इट क्लियर, देख लो एक बार। गलत किया, गलत किया, एक सेकेंड, मैंने गलत किया है, यहाँ पे एम माइनस एन नहीं होगा, ये एन माइनस एम होगा, इसको -9 को मैंने 9 बनाया, तो इधर भी साइन चेंज करना पड़ेगा ना, फिर भी अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना? देखो तो कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन में, एनीवेयर यू आस्क मी, यूनिट डिजिट तो चलो आप लोग एक बार देख लेना, ये सब पढ़ के जाना, प्लीज रीड दिस थिंग, यूनिट डिजिट एंड ऑल, ये आता है एग्जाम में, आता है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में ये भी आता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी आता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे सम ऑफ फैक्टर्स भी आने लगेगा, सम ऑफ फैक्टर्स आएगा, बैंक में सब कुछ आ जाएगा, नंबर सिस्टम धीरे धीरे पूरा पूरा घुस जाएगा बैंकिंग के अंदर, अभी नहीं आ रहा है ना, तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक निकाल लो एग्जाम, ठीक है, वो बहुत कुछ है उसमें। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट।